नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो निदाहस ट्रॉफी में फाइनल मैच खेला जाने वाला है उसकी पॉसिबल प्लेइंग 11 और एक टीम डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो में आपको दोस्तों मैं ग्रैंड लीग टीम दूंगा, स्मॉल लीग टीम नहीं दूंगा, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम एडजस्ट कर सकते हो और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा तो आपको टीम बनने में थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले हम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले हम रिजल्ट मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। 70% चांस है कि इंडिया ही मैच जीतेगी और 30% चांस है कि बांग्लादेश मैच जीत सकती है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक अच्छी ओपोनेंट है और 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ही हुआ था आज के ही दिन, मतलब लगभग 10 या 11 साल पहले जो 2007 में वर्ल्ड कप किया था उसमें बांग्लादेश ने विन किया था, इंडिया हार गई थी वो वाली मैच। तो बांग्लादेश के लिए ये वाला दिन थोड़ी लकी साबित हो सकते हैं आज के लिए भी, लेकिन चांस है कि 70% इंडिया ही जीतेगी, 30% बांग्लादेश जीतेगी। तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, लोकेश राहुल, दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, विजय शंकर, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, उनाडकट, तो ये हो सकते हैं इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11। लास्ट मैच में मोहम्मद सिराज को खिलवाया गया था लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए थे, तो मुझे लगता है ये फाइनल है और उनाडकट को खेलना भी चाहिए और ज़्यादा चांस है कि उनाडकट ही खेलेंगे, 95% चांस है कि उनाडकट खेलेंगे और सिर्फ 5% चांस है कि मोहम्मद सिराज खेलेंगे। तो अभी हम बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें तमीम इकबाल और लिटन दास ओपनिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच में आपने देखा होगा नाजमुल इस्लाम जो एक बॉलर थे उनसे बॉलिंग नहीं करवाई थी मोहम्मदुल्ला, और सौम्य सरकार ने उनकी बॉलिंग मतलब जो ओवर्स थे वो कंप्लीट किए थे। तो ये इस मैच में नहीं होगा क्योंकि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग अपोनेंट है और फाइनल मैच है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैप्टन अपने पार्ट टाइम बॉलर को खास करके इंडिया की जैसी टीम के सामने बॉलिंग करवाएगा। तो मुझे लगता है कि नाजमुल इस्लाम की जगह पर अबू जहीद या तो तस्कीन अहमद, ये दोनों को मौका दिया जा सकता है। ज़्यादा चांस है कि तस्कीन अहमद आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो अबू जहीद को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। और अगर लिटन दास नहीं खेलते क्योंकि लिटन दास फ्लॉप हो रहे, लास्ट मैच में भी 0 पे आउट हो गए थे, आरिफुल हक एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों इनके लिए बैट्समैन में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आरिफुल हक और अबू जहीद एक अच्छे स्टार उनके पास आए थे बांग्लादेश के, तो उनको मौका दिया जा सकता है टीम। तो तमीम इकबाल और लिटन दास ओपनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा चांस है कि लिटन दास ओपनिंग कर सकते हैं आज। फिर सौम्य सरकार, मुश्फिकुर रहीम, शब्बीर रहमान, सकीबल हसन, मोहम्मदुल्ला, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, रूबेल हुसैन, नाजमुल इस्लाम, अबू जहीद और तस्कीन अहमद, ये तीनों में से कोई एक। ज़्यादा चांस है कि तस्कीन अहमद या तो अबू जहीद, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। नाजमुल इस्लाम का मुझे नहीं लगता कोई भी चांस बनता है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी हो सकते हैं नाजमुल इस्लाम की जगह पर आरिफुल हक आ जाए, लेकिन ये इसका बहुत कम चांस है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो इनके पास सिर्फ रूबेल हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज और सकीबल हसन, ये चार प्रोफेशनल बॉलर रह जाएंगे, महमूदुल्ला और सौम्य सरकार दो दो ओवर करेंगे, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है दोस्तों। फाइनल मैच है और खासकर अपोनेंट टीम इंडिया है, तो आप जानते होंगे टीम इंडिया के जो बैट्समैन रोहित शर्मा, शिखर धवन, रैना, मनीष पांडे कितने स्ट्रांग अटैकर्स है, और अगर उनके सामने ये सौम्य सरकार वो सब बॉलिंग करने आए तो बहुत मार गिर सकती है सौम्य सरकार को, तो इसलिए कैप्टन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिएगा। और ये फाइनल मैच और बांग्लादेश को अपनी प्राइड के लिए खेलना है, ये मैच जीतना ही होगा क्योंकि उनको लास्ट मैच में बहुत ही मतलब वो उत्सुक हो गए थे श्रीलंका के सामने, और सकीबल हसन और नूरुल हसन को फाइन भी लगा था 25% मैच फी, तो इसलिए बांग्लादेश ये मैच जीतना चाहेगी और उनके लिए ये दिन लकी भी था। 2007 में बांग्लादेश जीत गई थी वर्ल्ड कप, 2007 का इंडिया को हरा के। तो अभी हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टीम दे दूंगा आपको, और जो क्वालिफायर होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग में इसकी भी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा थोड़ी ही देर में। तो अभी हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फाइनल मैच डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक टीम बनाई है ग्रैंड लीग की टीम है, अगर आप इसे स्मॉल लीग में उतरा होगा तो आप हार भी सकते हो। आपको एक बार टीम दिखा दूँ, विकेट कीपिंग में आप दोनों ही विकेट कीपर को रख सकते हो, दोनों ही बैटिंग ऑर्डर सेम ही है लगभग, लेकिन पॉइंट मैनेज करने के लिए आप दिनेश कार्तिक के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं मुश्फिकुर रहीम को लूँगा क्योंकि मैं अपनी टीम बैलेंस करना चाह रहा था। आप अपने हिसाब से बैटिंग ऑर्डर देख के आप विकेट कीपर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने शिखर धवन को लिया है, सुरेश रैना, लोकेश राहुल, सौम्य सरकार और लिटन दास को लिया है। लिटन दास को मैंने रिस्क पे लिया है, उनकी जगह पर आरिफुल हक खेल सकते हैं। रोहित शर्मा, तमीम इकबाल को आप रख सकते हो, रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता कि आज चलेंगे, आप रख सकते हो, ये ग्रैंड लीग की टीम है इसलिए मैंने किसी इनफॉर्म बैट्समैन को ड्रॉप किया है, आप रख सकते हो। स्मॉल लीग की टीम में तो रोहित शर्मा, शिखर धवन मस्ट है, तमीम इकबाल को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, मनीष पांडे को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, शब्बीर रहमान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, और यहाँ से बस इतने ऑप्शन है। फिर ऑलराउंडर में मैंने सकीबल हसन और विजय शंकर को लिया है,
फिर आप यहाँ से मोहम्मदुल्लाह को रख सकते हो और वॉशिंगटन सुंदर को भी अपने टीम में शामिल कर सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आरिफुल हक एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। ये बताना मुश्किल है कि किसकी जगह पर आएंगे, लेकिन चांस हाई है आरिफुल हक का खेलने का आज। फिर बॉलिंग में मैंने मुस्तफिजुर रहमान, उनाडकट और शार्दुल ठाकुर को लिया है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो तस्कीन अहमद, अबू जैद को भी ट्राई कर सकते हो। मेहदी हसन, रुबेल हुसैन दोनों को ही आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। मोहम्मद सिराज नहीं खेलेंगे, चांस कम है बहुत ही। नाजमुल इस्लाम, अबू जैद और तस्कीन अहमद, ये तीनों में डाउटफुल है। चहल को आप अपने टीम में शामिल कर सकते हो। कैप्टन में लोकेश राहुल को रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, रहीम, शकीब अल हसन, इसको ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। लेकिन अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट होते हैं या शिखर धवन जल्दी आउट होते हैं तो लोकेश राहुल वन डाउन बैटिंग करेंगे। अगर टिक जाते हैं दोनों थोड़ी देर तो सुरेश रैना वन डाउन आएंगे। इस टीम में मैंने रोहित शर्मा को नहीं लिया है, तो मैंने अज्यूम किया है कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाएंगे और लोकेश राहुल की बैटिंग आएगी। तो लोकेश राहुल को मैंने वाइस कैप्टन रखा, सॉरी कैप्टन रखा, और वाइस कैप्टन में सुरेश रैना को रखूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है आज। तो आप यहाँ से शकीब अल हसन को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ। मुशफिकी रहीम, लोकेश राहुल, सुरेश रैना, सौम्य सरकार, शिखर धवन, लिटन दास, शकीब अल हसन, विजय शंकर, मुस्तफिजुर रहमान, जयदेव उनडकट और शार्दुल ठाकुर। तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर लीजिए, अपने हिसाब से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेट कर लीजिए। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, बाय।